हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पांच कमाल की टिप्स देने वाला हूं। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या फिर आपके चैनल में 1000 से कम सब्सक्राइबर है और अगर आप इन पांचों टिप्स को सही से फॉलो करते हैं तो आपकी सब्सक्राइबर स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। टिप्स नंबर वन, दोस्तों आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देने होंगे। दोस्तों, अगर आपके चैनल में 1000 से कम सब्सक्राइबर है तो आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देना होगा। दोस्तों, होता क्या है, जब कोई नया व्यूअर आपके वीडियो में आता है तो आपके वीडियो को वॉच करता है और अगर आपका वीडियो उसको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देता है और जैसे ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करने जाता है वो आपके चैनल के सब्सक्राइबर को देखता है। लेकिन दोस्तों, अगर वो देख लेता है कि आपके चैनल में कम सब्सक्राइबर है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। कुछ लोग तो कर लेते हैं लेकिन बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इनके चैनल में कम सब्सक्राइबर है तो इनके अंदर नॉलेज कम होगा, इसलिए वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर को हाइड कर देना होगा, इससे आपके चैनल के सब्सक्राइबर स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया है, उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। टिप्स नंबर टू, दोस्तों आपको अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाना होगा। तो दोस्तों, आपको अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको एक अच्छा सा लोगो लगाना होगा, अच्छा सा चैनल आर्ट लगाना होगा और आपको अपने अबाउट सेक्शन में अपने सोशल मीडिया के लिंक्स को दे देने होंगे। इससे आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा और कोई भी आपके चैनल के अंदर को विजिट करेगा तो उसको काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। तो आपको अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टिप्स नंबर थ्री, दोस्तों आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट तैयार कर लेने होंगे। प्लेलिस्ट तैयार करने के भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। जैसे कि मैं टेक वीडियो बनाता हूँ तो मैं यूट्यूब टिप्स के लिए अलग प्लेलिस्ट तैयार करके रखा हूँ और फोटो एडिटिंग के लिए अलग प्लेलिस्ट तैयार कर लिया हूँ और फोन रिव्यू के लिए अलग सा प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ। इस तरह से आपको अपने प्लेलिस्ट तैयार कर लेने होंगे। प्लेलिस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा व्यू आता है तो आपको अपने प्लेलिस्ट तैयार कर लेना होगा। और दोस्तों, आप लोगों को देखना होगा कि आपके कौन से वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपके जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसमें आपको आई बटन लगा देना होगा। आई बटन में आपको अपने पुराने वीडियो के लिंक्स और नए वीडियो के भी लिंक्स को दे देने होंगे। इससे क्या होगा कि बहुत लोग आपके आई बटन पर क्लिक करके आपकी वीडियो के देखेंगे और आपके पुराने वीडियो में भी व्यूज़ आते हैं। और आपको अपने वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन लगा देना होगा। इससे क्या होता है कि बहुत लोग आपके एंड स्क्रीन से भी वीडियो को वॉच करते हैं। टिप्स नंबर फोर, दोस्तों टिप्स नंबर फोर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक थंबनेल को लेकर है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपने वीडियो के थंबनेल पे करना होगा। आपको अपने वीडियो के थंबनेल को प्रोफेशनल बनाना होगा और क्लिकेबल बनाना होगा ताकि लोग उस पर क्लिक करें। दोस्तों, YouTube अपना काम सही से करता है, YouTube इम्प्रेशन भेजता है, लेकिन अगर आपके थंबनेल अच्छे नहीं होंगे तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। दोस्तों, आप अपने YT स्टूडियो में जाके अपने वीडियो की इम्प्रेशन और इम्प्रेशन क्लिक को चेक कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में इम्प्रेशन क्लिक 10% से कम है तो आपको अपने थंबनेल पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है इसलिए लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने थंबनेल पे मेहनत करना होगा और थोड़ा बहुत आप क्लिक बैट भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा क्लिक बैट करते हैं तो लोग आपके वीडियो को डिसलाइक करेंगे और पूरा वॉच नहीं करेंगे और आपके वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन भी ख़राब हो जाएगा और आपके वीडियो के वायरल होने के चांस भी काफ़ी कम रहेंगे। टिप्स नंबर फाइव, दोस्तों आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड करना है। हो सके तो आप एक दिन में दो वीडियो अपलोड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका चैनल काफ़ी जल्दी ग्रो होगा। आपको अपने वीडियो के व्यूज़ को नहीं देखने हैं कि आपके वीडियो में कितने व्यूज़ आते हैं, आपको डेली वीडियो बनाना है और अपलोड करना है। अगर आप डेली वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं तो आपका एक वीडियो वायरल होगा ही और जिस दिन आपका वीडियो वायरल हो जाएगा आपके चैनल में सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे और आपके पुराने वीडियो में भी व्यूज आने लगेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो उस टॉपिक पर बनाइए जो कि ज़्यादा सर्चेबल हो। लोग जिस टॉपिक को ज़्यादा सर्च करते हैं आप वैसे टॉपिक पे बनाइए, तब आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा और आपके वीडियो वायरल होगा। तो आपको सर्चेबल टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता है तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कैटेगरी का ही वीडियो बनाना है। आप जिस कैटेगरी पर काम करते हैं आपको सिर्फ वही कैटेगरी पर ही काम करना है, आपको अदर कैटेगरी का वीडियो नहीं बनाना है। तो दोस्तों, ये थे पाँच टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इन पांचों टिप्स को सही से फॉलो करते हैं तो आपका चैनल काफ़ी फास्ट ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।